नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात क्यों, वो इसलिए कि आप देखिए कि गुरुवार को एक झटके में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम $40 से ज़्यादा बढ़ गए। बड़ी तेज़ी आ गई ग्लोबल मार्केट में। लेकिन जिस रफ्तार से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़े, उस रफ्तार से इंडियन मार्केट में तेज़ी नहीं आई। मतलब वहाँ $40 से ज़्यादा की तेज़ी आई, लेकिन इंडियन मार्केट में करीब करीब 500 रुपये के आसपास की तेज़ी आई। आमतौर पे जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी चाल गोल्ड की दिखती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी दिखता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि ग्लोबल मार्केट में हुआ क्या। ग्लोबल मार्केट में भाव $2,425 के ऊपर निकल गया, $40 से ज़्यादा की तेज़ी, और 7 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। लेकिन MCX पर 73,200-73,000 के आसपास गोल्ड घूमता रहा करीब करीब 500 रुपये की तेज़ी के साथ। अब सवाल है कि ग्लोबल मार्केट में बड़ी तेज़ी क्यों आई। तो ग्लोबल मार्केट में बड़ी तेज़ी इसलिए आई क्योंकि US में ब्याज दरें घटने की संभावना अब लगातार बढ़ रही है। मार्केट को लग रहा है कि सितंबर के महीने में पहला रेट कट आ जाएगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। जून में महंगाई दर जो US की है वो 3 साल के निचले स्तर पर है, और जून में रिटेल महंगाई 3% पर है, अनुमान था 3.1% का। तो महंगाई घटने के बाद दरों में भी कटौती की संभावना बढ़ गई है। कोर CPI 3.5 साल के निचले स्तर पर है। सितंबर में दरें घटने का अनुमान अब बढ़कर 85% हो गया है। मतलब 85% चांस है कि सितंबर के महीने में US में पहला रेट कट आ जाएगा। तो इन सब का इम्पैक्ट दिखा, डॉलर कमज़ोर हुआ, डॉलर इंडेक्स एक महीने के लो पर गया, तो इससे ग्लोबल मार्केट में ठीक ठाक तेज़ी आ गई। अब सवाल यह है कि जब इन सारी वजहों से ग्लोबल मार्केट में तेज़ी आई तो इंडियन मार्केट पर उतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा। तो इंडियन मार्केट पर उतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप देखिए कि बजट है इसी महीने, और मार्केट में इस बात की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है कि शायद इस बजट में कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती ना हो जाए, इस बात की संभावना दिख रही है, और ये डिमांड भी हो रही है। तो इससे मार्केट थोड़ा अलर्ट मोड में है। जो बड़े बायर हैं वो बड़ी पोजीशन लेने से भी बच रहे हैं क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी आती है तो गोल्ड के दाम गिरेंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा उसका। तो उसका भी एक मार्केट में आप कह लें कि अलर्ट है, डर है, तो उस वजह से कोई बड़ी बाइंग फिलहाल गोल्ड में नहीं हो रही है। दूसरी वजह यह है कि गोल्ड थोड़ा डिस्काउंट पर चल रहा है करीब 1% के आसपास का, क्योंकि बड़े बायर मार्केट में नहीं हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वजह यह है क्योंकि प्लेटिनम के नाम पर जो गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है 85% गोल्ड कंटेंट के साथ सेपा एग्रीमेंट के तहत जो प्लेटिनम का इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें एक्सपर्ट का ये मानना है कि चूंकि वहाँ पर 5% ड्यूटी है प्लेटिनम पर, तो जो गोल्ड इंपोर्ट प्लेटिनम के नाम पर हो रहा है उस पर भी 5% ड्यूटी। वैसे मार्केट में आप देखें तो 15% जो जनरल ड्यूटी है गोल्ड पर है, तो उस लिहाज से वहाँ भी एक सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट दिख रहा है, ये भी कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो ड्यूटी वाली बात है, ड्यूटी को लेकर चर्चा है, और बड़े बायर का अभी मार्केट में थोड़ा रुझान कम हुआ है, इससे इंडियन मार्केट में थोड़ी एक्शन में कमी है। हो सकता है कि आपको बजट तक मार्केट इसी रेंज में घूमता दिखे, लेकिन बजट का दिन इस बार गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला होता है तो बजट के दिन ही आपको एक बड़ा इम्पैक्ट गिरावट के तौर पर गोल्ड में दिखेगा, और अगर नहीं होता है तो फिर तेज़ी भी दिख सकती है। तो कुल मिलाकर बजट तक मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड, एक दायरे का बाजार दिखा सकता है।